ऐसे किच 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 में पड़े रहने से इससे अच्छा कि ब्लॉग बनाना ही छोड़ दो, सारा झंझट ही खत्म। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अरे मैं तो भूल गई, धनु ने बोला था कुछ और बोलने के लिए, है ना धनु? क्या बोलने के लिए बोला था? आई एम ए लवली पीपल, है ना? कुछ तो बोला था आपने। हे माई लवली पीपल, ऐसे बोलूँगी। कैसे हैं आप सब? थोड़ा बनावटी लग रहा है है ना? तो ये धनु का जींस है जो दादा दादी और बाबा कह रहे हैं कि छोटा हो गया है तो इसको वो कर देना। अब ये धनु नहीं पहनेंगे, अभी छोटा तो नहीं हुआ है धनु, अभी तो 2-3 महीने पहले लिया था। अभी 2 बार ही पहने हैं उस जींस को। हाँ। तो थोड़ा 1-2 बार और पहन लेना। 5 साल पहने तब तो आप तो 2-4 महीना ही बस पहन लेना, थोड़ा मम्मा का दिल रह जाएगा, मम्मा लेके आई है तो। हाँ ये तो साड़ी मम्मी के बैग में रखना डालना है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी के ऊपर मतलब सासू माँ के ऊपर ऐसी साड़ी अच्छी लगती है जो थोड़ी सी सिल्क कॉटन में जो जाती है वो साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। मतलब कि जो सिंथेटिक वैसे पहनती हैं ना, सिंथेटिक नहीं चाहे वर्क भी चाहे कुछ भी, जो जॉर्जेट में पहनती हैं, सिफोन में पहनती हैं, उससे ज़्यादा मुझे लगता है स्मार्ट वो सिल्क टाइप की साड़ियों में लगती हैं। आप लोगों का क्या कहना है, मतलब आप लोगों को इसमें वो अच्छी लगती है बताना। और आप लोग हमेशा बोलते हो कि सासू माँ की साड़ियों का कलेक्शन अच्छा है, उनकी साड़ियों का कलेक्शन, हाँ उनकी साड़ियों का कलेक्शन हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सोचो कभी कभार हम भी पहन लेते हैं उनकी साड़ियाँ, ऐसे मस्त पहनते हैं। और अभी आ रही है मुझे नींद, बहुत तेज वाली तगड़ी वाली नींद आ रही है, तो मैं सोच रही सो जाऊँ, तो इसके लिए मुझे धनु को सुलाना होगा, है ना धनु? चलो आप भी सो जाओ थोड़ी देर, और थोड़ी देर मम्मा सो जाएंगी, ओके? और गाइस जो मैंने सूट पहना ये कैसा लग रहा है ये देखो, सही है, मस्त लग रहा है। आप लोग से पूछ रहे, अभी ना कह रही हूँ ये इसका दुपट्टा, फिर मेरे से भी पूछोगे ना? हाँ, तुमसे तो जरूर पूछोगे, तुमसे नहीं पूछूंगी तो मेरा खाना ही नहीं बचेगा। रवीना कहीं मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, रवीना बताओ ये कैसा लग रहा है, रवीना वो कैसा लग रहा है ना? रवीना मैं तुमको परेशान करती हूँ? नहीं, तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करती हूँ? चलो आज शाम को फिर से लड़ाई करेंगे, ठीक है? भैया आएंगे तो भैया के साथ, रवि ना आ जाओ कैमरा लेके, है ना? चल तो रही हूँ भाभी पर, लड़ाई मत करना। चल लड़ाई नहीं, उनको पता है कि लड़ाई करते दोनों जनों को लाकर लड़ाई करते हैं, और इसलिए मैं रख दूँ। चलिए गाइस मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, आज का जो ब्लॉग है शाम तक कंप्लीट करते हैं ताकि कल से आप लोगों को टाइम पे ब्लॉग दे पाए 10 बजे तक, क्योंकि कल है संडे और संडे को मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं निकल जाऊंगी तो फिर कल का भी व्लॉग नहीं दे पाऊंगी, शाम वाम हो जाएगा या रात हो जाएगा जो भी, गाड़ी में मैं एडिटिंग कर नहीं पाती, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल का आज वाला व्लॉग कंप्लीट करके आपको दे दें। ओके देखो मम्मा देख रही इसमें क्या है, थोड़ा और पीछे जाओ बेटा, इतना पास है कैसे दिखा रहे हो, मम्मा भी दिखनी चाहिए ना। अच्छा ये पापा जी ने अपना, और पीछे जाइए आपके पापा जी ने, और पीछे जाइए, और पीछे जाइए, मैं दिखा रही हूँ पापा ने ये मंगाया है, पापा ने, धनु ऊपर करो, नहीं नहीं खोल के नहीं देखना है, और ये आपके लिए नहीं है, ये पापा के लिए, ठीक है पापा है? हाँ आपके पापा के लिए, ठीक है अब मैं रख देती हूँ, ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है आपके ऊपर जो पापा रहते हैं ना उनके लिए। ये मिल गया, ये मिल गया, मिल गया, मेरा पर्स है। कहाँ? ये पर्स नहीं है, ये मम्मा का काम का है। ओके गाइज कैसे हैं आप सब? तो पतिदेव जी ऑफिस से आ चुके हैं, अभी चाय नहीं पियेंगे, ची नहीं पिए हैं, अभी पियेंगे, और मेरा ये यहाँ से ठीक करूँ तो दिख जाएगा ना मेरे हाथ में क्या, इसलिए नहीं ठीक कर रही हूँ, तो कुछ है सरप्राइज लीजिए, और ये है सरप्राइज, दिखाऊँ बिना दिखाए उधर चलिए, एकदम से सरप्राइज वहीं पे दिखाइएगा। ओके तो ये कुछ कुछ लेके आए हैं, कुछ मंगाए हैं, आपको पता है क्या, जब भी कोई पार्सल आता है ना तो इनको बहुत अंदर से ना, पहले भी मैंने बताया ना, खोलने खालने का वो रहता है। तो ये देखिए पतिदेव जी किस चीज में लगे हुए हैं। मैंने एक्चुअली में कुछ मंगाया था, वो मैंने क्या यहाँ के लिए। हाँ। अच्छा इस पे। हाँ। अच्छा मुझे लगा कि वहाँ, मुझे तो पता ही नहीं है क्या मंगाए हैं, किस चीज के लिए मंगाए हैं। और ये रहा सरप्राइज, 1 2 3, वाह कितना सुंदर है ना। मैंने बोला ये अभी मैंने देखा आए खोले, मैंने बोला क्या है, तीनों ने दिखाया ये चीज है, ऐसे नहीं इधर पलट के, हाँ ऐसे, हाँ
हाँ यहाँ पे ये थोड़ा दरवाजा ढक जाएगा। मैंने बोला कि क्या मैंने बड़ा वाला इसलिए नहीं बनाया ना कि थोड़ा सा मतलब कॉम्पैक्ट रहता है तो ही अच्छा रहता है। तो भोले बाबा को बहुत मानते हैं ना, मैया को, भोले बाबा को। और वो क्या क्या कहते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैंने बोला सर तो फिर जब हम घर डेकोर करेंगे सारा सामान लगाएंगे उसी टाइम लगा देना, तो कह रहे नहीं अभी लगाऊंगा, इनके अंदर रहता है थोड़ा सा। अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। लाइट किया और इधर राइट में करो, राइट 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 हाँ, वो लाइट के पीछे रहता ना, ऐसे यहाँ लगा दो है ना। यहाँ पे अपना एक वो करके कील लगा के, कील लगा के। मैं क्या सोच रही थी कि गेट पे सही रहेगा क्या, सबसे ट्राई करें क्या? तो गेट के लिए तो वो नहीं है। अच्छा ये नहीं होगा गेट पे, गेट के लिए कुछ और है। ठीक है, या इसका बड़ा वाला मंगा। थैंक यू सो मच कि आप मेरे घर के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। अगर बड़ा नहीं, साइज ठीक है, क्या करना पड़ा छोटा डेकोर के लिए? ये सुंदर लग रहा है ना। हाँ डेकोर नहीं, बड़ा वाला और अच्छा लगेगा अगर कहोगे तो वो मंगा लेंगे। नहीं मुझे सही लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने खोला ना, मुझे बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता ये कैसा होता है, इससे भी जो बता रहे इससे भी अच्छा होगा, मतलब सेम यही है, बस साइज बड़ा होगा। नहीं पर अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लगा तो ऐसे ऐसे करके ठीक है ना। चलिए आइए। हाँ ये तो रुको ना, अब हाथ लगाओ अपना, कहाँ लगा रहे थे? तो हमारे इस फ्लोर का पहला डेकोरेशन बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा लाइट ऑन करने पे मैं लाइट ऑन सही लग रहा है यार। धनु आप क्या दिखा रहे थे मम्मा को, पापा को क्या दिखा रहे थे? ये तो पापा को दिखा रहे थे ना, पापा को जाओ दिखाओ। क्या बोल रहे थे पापा को दिखा दो, क्या बोल रहे थे आप? हैं क्या बोल रहे हो आप, ये क्या बोल रहे हो धनु थोड़ा बता दो। आप पापा को क्या सिखा रहे थे बताओ, पहले बताओ फिर मैं दिखा दूंगी। वो किस लिए पापा को दिखा रहे हो? अच्छा मैं इसमें दिखाती हूँ, आप पापा को बता दो किस लिए पापा को दिखा रहे हो। दिखाना क्या दिखा रहे हैं धनु, ये रीटेक है। हाँ धनु आप बताओ, धनु आपने क्या बोला पापा से अभी? धनु बताओ तो सही, आपने क्या बोला अभी पापा से ये दिखा के? ये, आप और नहीं इससे पहले भी तो कुछ बोला था मैंने किचन से सुना था पापा आप मम्मा के साथ क्या करता? पापा आपने मम्मा को ऐसे ही प्यार करना, फाइट करना। सॉरी हाँ देखो क्या बोला आपने, पापा आप मम्मा के साथ ऐसे फाइट करना। मैं आपको दिखाती हूँ क्या फाइट दिखा रहे हैं, दिखाना आपका यही काम है। नहीं आएगा इसी में होगा, ये वाला होगा ना, इसमें होगा। हाँ हाँ इसी में होगा, उसी में होगा, इसमें भी होगा, ये रहा ना, ये दिखा रहे हैं मम्मा पापा आप ऐसे फाइट करना। क्या क्या बच्चे देखते थे, मैं किचन में खाना बना तो वहाँ गए पहले दिखाए, फिर कह रहे आप लोग ऐसा वीडियो एक बना लेना। आपके मम्मा पापा हैं ये, हम आपके साथ भी ऐसी करेंगे। ओके तो आई साफ करो, हाँ तो ऑन ही करने के लिए दिया है, थोड़ा सा आप हमारा शूट कर दीजिए। हम काट रहे हैं पालक और काट रहे हैं आलू, आलू पालक की सब्जी। आलू पालक की गाय एक सब्जी होती है ना, इसमें लाल सूखी मिर्च डाल के बनाते हैं और प्याज लहसुन का फ़ोरन डाल के, क्या टेस्टी बनता है। लेकिन लाल मिर्च नहीं है शायद, हरी मिर्च से ही बनाऊँ और प्याज लहसुन डाल के बनाऊँगी। काट लेती, इसको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा नहीं तो किनकिन सा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। दाल चावल जो है हमने बनने के लिए रख दिया है और अब सब्जी इसके बाद बनाएंगे तो हमारा रात का खाना हो जाएगा, फिर हम सारे लोग मिलकर डिनर करेंगे। सो गाइज़ तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, दाल चावल मैंने रख दिया था, बन ही गया है, अब मुझे सब्जी बनानी है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और पालक की सब्जी। ये सब्जी ना बचपन से मुझे इसका टेस्ट जो है, मतलब कहते नहीं मुँह लगना वो वाली बात है, मुझे बहुत पसंद है। बचपन से मैं खाती हूँ रोटी के साथ, दाल चावल के साथ। तो आज मैंने सोचा मैं उस तरीके से बनाती हूँ, लेकिन लाल मिर्च जो सूखी मिर्च होती है ना वो नहीं थी उसके साथ ना, ये और ज़्यादा टेस्टी सौंधा सौंधा सा लगता है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हरी मिर्च जो है उसे डाल देते। तो हरी मिर्च, प्याज एंड लहसुन जो है उसे मैंने छिलके धोके और उसे कूट लिया, और तेल सरसों डाल के उसमें थोड़ा जीरा का छौंका डाला, फिर उसके बाद ये जो मैंने
लहसुन और प्याज और हरी मिर्च था उसको डाल के और छौंक दिया। फिर ये आलू और पालक की सब्जी, साग कोई भी हो ना ज़्यादा पानी में अच्छे से धोना चाहिए, वरना वो किन किन सा उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी रहता है ना, जो धरती का मिट्टी का वो, तो वो आ जाता है, इसमें से अच्छे से धोना चाहिए। तो मैंने धो के और यहाँ पे छान लिया और अब मैं इसे छौंक दूँगी और इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, मतलब इसमें सिर्फ डालूँगी नमक और हल्दी बस। और आगे व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा और आगे देखिए क्या हुआ हमारे। सो गाइज, तो हम थोड़े से नाराज हैं, थोड़े से उदास हैं, नहीं नाराज हम नहीं हैं, नाराज़गी को हम झेल रहे हैं। सही में पतिदेव जी जो हैं थोड़े नाराज़ से चल रहे हैं। बात क्या हुई है मुझे ये भी नहीं पता, मतलब छोटी मोटी बातें तो हर रोज़ होती रहती है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा उनका गुस्सा जो है थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। वीडियो में भी नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग भी नहीं मेरा कंप्लीट करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब मैं अकेले अकेले ब्लॉग बनाऊँगी तो आप लोग क्या देखेंगे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉगिंग ही छोड़ दूँ, मैं ब्लॉग ही नहीं बनाऊँ। मतलब मैं अकेले क्या, मैं क्या अलग अकेले व्लॉग या वीडियो बना सकती हूँ, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग ही छोड़ रही हूँ। क्या फ़ायदा ऐसे किच किच में पड़े रहने से, इससे अच्छा कि ब्लॉग बनाना ही छोड़ दो, सारा झंझट ही ख़त्म, सही है ना। बड़े हैं, अकेले बनाऊँगी, मेकअप का शेयर करूँगी, हेयर स्टाइल शेयर करूँगी, साड़ी शेयर करूँगी, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जरूरी वो आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊँगी। ज़्यादा मुझे गुरूर और घमंड ना दिखाना, हम कर सकते हैं अपना अकेले अकेले भी, है ना गाइस। मतलब उसको सोचना पड़ेगा ना कि जिसको जो अकेले नहीं कुछ कर सकता है, ज़्यादा गुरूर घमंड दिखाए छोड़ देंगे, ऐसे ही रहो जाओ मत लाओ अभी वीडियो में, नहीं मना लूँगी थोड़ी देर में। एक हस्बैंड अपने वाइफ पे और वाइफ अपने हस्बैंड पे कितना राज चला लेते हैं ना। अभी वो मेरे सामने है नहीं, ये देखो मैं ऐसी बात कर रही हूँ, मेरे सामने है नहीं इसलिए इतना बोल रही हूँ। कह देते वो इधर से आवाज़ भी आ जाती है, अगर वो होते तो हाँ तो जाओ ना चला लो जो बना लो, ये करते वो करते ऐसे बोलने लग जाते। ठीक है मनाती हूँ थोड़ी देर में, अभी हमें कहीं जाना भी है, बट मैं सोचा कि ये छोटा सा जो व्लॉग है मैं ये शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और बाकी छोड़, मतलब पता नहीं चल रहा क्यों नाराज़ है, छोटी मोटी ऐसे हस्बैंड वाइफ की बातें होती रहती है, वैसे नाराज़ होंगे लेकिन मान जाएंगे, अभी तक तो आसार नहीं नज़र आ रहा है मानने का, बट देखते हैं। सुबह से फुला के घूम रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी कि कोई सामने वाला नाराज़ हो और पता ही ना हो किस बात से नाराज़ होता है। क्या मैं हंस क्यों रही हूँ यार, मेरा हस्बैंड गुस्सा है, नाराज़ है मुझसे, बात नहीं कर रहे ढंग से और मैं हंस रही हूँ। ये पागल लड़की। ठीक है, धनु ने बोला हुआ था मम्मा पापा ये वाला रील बनाना, आपने देखा था ना। फाइट, ये वाला फाइट करना। अब क्या रील बनेगा, कहाँ कहाँ जाना था, क्या क्या करना था, पता नहीं, अगर मान गए तब तो ले जाएंगे। पता है क्या, ऐसे ही करते, कुछ भी ज़रूरी मेरा काम हो ना, अगर गुस्सा हो है ना तो वो काम ही नहीं करते, कहते तुम्हारा है ना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ऐसे करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और जा रही हूँ, धनु को भी नहलाना वगैरह है, देखते हैं जाते हैं कि क्या करते हैं। पिछले संडे से बार बार होल्ड हो जा रहा है, पिछले बार व्लॉग भी मैंने आप लोग को दिखाया था, जिस दिन हम पत्थर लेने गए थे तो पत्थर लेके ही बस आ गए थे और हम नहीं जा पाए थे जहाँ जाना था, क्योंकि कुछ घर में ज़रूरी काम था, तो इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा, मैं नहीं गई और इस संडे भी रह गई। खैर छोड़िए, इस संडे नहीं सैटरडे थे, उनकी छुट्टी नहीं थी, अब ये संडे है, आज का दिन ये भी ऐसी लड़ाई झगड़ा में ना निकल जाए, तो इसलिए खैर चलिए इस बात को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट व्लॉग का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये यहाँ पे ये लग चुका है, जब स्ट्रिप निकलेगा तब आपको पता चलेगा कैसा लगा, फिर बेड का पूरा फुल लुक आएगा। गद्दा जो है अभी हमने नहीं लिया है, देखते हैं कब तक लेते हैं, जब पूरा बेड पे गद्दा लग जाएगा ना तब उसके बाद जो होता है पूरा लुक आएगा बेड का प्रॉपर कि हाँ कैसा लग रहा है। ओके गाइज, बाय गाइज, थैंक यू गाइज़।